अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, ठीक ठाक होंगे। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। तो आज मैं बेसिकली काम कर रहा था, मतलब इनको पानी वगैरह दे रहा था, दाना पानी अभी कर रहा था। तो जैसा कि आप सब लोग भी डेली करते होंगे पानी वगैरह, और डेली ही चेंज करना चाहिए दाना पानी और बर्तन पानी के जो हैं। पानी के मोस्टली आपको बर्तन धोने चाहिए, डेली धोने चाहिए। और दाने के तो खैर क्योंकि गीले हो जाते हैं, उनको सुखा के फिर दोबारा डालना पड़ता है, पर फिर भी आप हफ्ते में या महीने में या दो हफ्ते बाद इस तरह से कोई पानी के जो सॉरी दाने के जो बर्तन हैं वो भी धोते रहा करें, ताकि जो फंगस वगैरह की बीमारी लगती है या फिर फेस वगैरह पे बर्ड्स की जो स्केली स्किन हो जाती है, जैसे कि माइट्स वगैरह अक्सर हम बोलते हैं, माइट्स हो गए हैं, तो वो इस चीज़ों से भी लगती है। और इनको एक कैंसर टाइप बीमारी होती है जिसमें थूक झाग निकालते हैं मुँह से, तो उस किस्म की बीमारियों से ना ये जो सफाई है उससे बचाया जा सकता है। तो आज खैर मैं पानी वगैरह का डाल रहा था, तो मैंने अभी गर्मी आ गई है आपको पता है, तो गर्मियों में बर्ड्स की थोड़ी जो केयर है वो ज़्यादा हो जाती है। सर्दी में बेसिकली टेम्परेचर मेंटेन करें तो बर्ड बच जाता है और बर्ड को ज़्यादा मसला नहीं होता। तो गर्मी में क्या है, गर्मी में हमें उनके खाने पीने का ख्याल और गर्मी में हमें मतलब उनके पानी वगैरह का ख्याल जो है ना वो ज़्यादा रखना पड़ता है। तो अभी बेसिकली अगर आप ब्रीड ले रहे हैं तो अगर तो आपके पास टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, क्योंकि मैंने देखे हैं कूलर लगाया हुआ और शेड मेरा जो है छोटा ही है, मतलब इतना बड़ा नहीं है, कोई 8x10 का मेरा साइज़ है शेड का। तो उसमें ये वाला कूलर जो है फ़िलहाल अभी जो गर्मी इस अभी जो पड़ रही है उसके हिसाब से तो ठीक है, पर अगर फर्दर कोई गर्मी में इजाफ़ा होता है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, तो फिर इंशाल्लाह मैं करूँगा। ये देखें टेम्परेचर जो है 31 टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेरे पास आ रही है 41। तो ह्यूमिडिटी भी इस गर्मी के हिसाब से अभी तो ठीक है, पर अगर आपने ब्रीड लेनी है तो ब्रीड के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा मज़ीद आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन किस तरह से कि आपको जो टेम्परेचर है ना 30 से नीचे रखना पड़ेगा, मतलब 28 या 30 के इससे ज़्यादा आपका गया ऊपर तो फिर आप ब्रीड जो है ना उसमें मुश्किल हो जाएगी। तो खैर आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिर्फ पानी के हवाले से। तो आज मैं पानी में क्या कर रहा था, मे भी आपके पास पहले भी मैंने वीडियोस लगाई हैं, पर जो न्यू व्यूअर्स हैं मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो उनके लिए है कि क्योंकि वो सारी वीडियोस तो नहीं देख सकते पुरानी, कुछ देखी भी होंगी उन्होंने, बट अगर उन्होंने नहीं देखी तो मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं और जो नए हैं उनको भी पता चल जाएगा कि पानी में मैं आज ऐड कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर रहा हूँ आज। बेसिकली ये इसकी बोतल नहीं, ये तो बायोकोल डी जो हमारी इंसानों की दवाई है ये उसकी बोतल है, पर इसमें मैंने डाला हुआ है इसके अंदर। तो साइमन के इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, वही मैं रेकमेंड करूँगा, साइमन्स जो है उसके इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, वो आपने लेने हैं। और उसका पाउडर होगा वो आपको पैकेट मिलेगा किसी आप जो मेडिकल स्टोर है बर्ड्स का जो मेडिकल स्टोर है उससे आपको मिल जाएगा। तो इसका मैं दिखाता हूँ आपको कि ये होता कैसा है। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं ये पाउडर फॉर्म में आती है, मतलब ये तो अभी वो बोतल में हिलाओ ना तो वो रोटियां बन जाती हैं, मतलब इसकी जो गिटलियाँ सी बन रही हैं, बट ये पाउडर फॉर्म है बेसिकली। तो इसका पैकेट मिलेगा, वो बड़ी अच्छी सील होती है उसका पैकेट जो होता है, तो वो आपने लेना है। और पानी में 1 लीटर पानी में तकरीबन ये आपका ना 0.5 ग्राम डलता है, तो उस तरह से आपने उसको मिक्स करना है जैसे आप ब्रीडिंग सीज़न में या फिर ऑफ सीज़न में भी मल्टी जो विटामिन्स यूज़ करते हैं, मिनरल्स वगैरह और विटामिन जो आप यूज़ करते हैं वो अक्सर हम यूज़ करते हैं वाइटासोल के या फिर साइमोडेक हो गया और इस तरह से जो मुख्तलिफ है उसी तरह का ये भी है, वही पाउडर फॉर्म है उसी तरह से। और पानी में कलर आ जाता है, मेरे को वाइट बोतल अगर मैंने कोई बनाई हो तो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, तो ये है, वैसे तो ये दाने की पॉट है पर इसमें मैंने पानी डाला हुआ, तो इसमें आप देख रहे हैं ये येलो आ रहा है इसमें, ठीक है। पर आपने मिकदार जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसका कलर ऐड करना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार कलर नहीं आया इसमें तो अभी तक ये ठीक से बना नहीं होगा, मतलब या फिर डालने के लायक नहीं होगा। तो कलर को नहीं देखना, आपने जो क्वांटिटी उस पैकेट पे भी लिखी होगी डालने का तरीका जो है, जो क्वांटिटी आपको दी है जो रिकमेंडेड है वही क्वांटिटी आपने डालनी है, उससे ज़्यादा कलर के चक्करों में नहीं आना कि यार इसमें कलर नहीं आ रहा। तो कलर नहीं हमने निकालना बेसिकली,
तो ये आपने डालना है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जो इनका इम्यून सिस्टम है उसको ठीक रखता है, और दूसरा जो इनकी फंगस वगैरह की जो फेस में आ जाती है अक्सर बीमारियाँ उसको भी उसके लिए भी ये काफ़ी एक प्रोटेक्टिव चीज़ है। क्योंकि इसके साथ चलें एक आपको एक और बात बता दूँ कि फंगस वगैरह अक्सर मुंह में इनको जो बीक होती है, चोंच होती है उसमें और पैरों में, ये किस तरह से लगती है, शुरू कैसे होती है, हम सोचते हैं माइट्स और कीड़ों की बीमारी की वजह से है, पर अक्सर औकात जब आप बर्ड को निकालते हैं, पकड़ते हैं और परों वगैरह के अंदर देखते हैं तो माइट्स आपको नज़र नहीं आते। तो फंगस की बीमारी कैसे लगती है, अक्सर हम क्या करते हैं, ये देखें ये स्पोर्ट में सलाद है, इसमें सलाद में क्या क्या ऐड किया वो भी मैं आपको बताऊंगा जब सलाद बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो वो भी आपको बताऊंगा कि सैलेड गर्मियों में कौन कौन सी चीज़ें आपने इसको डाल के किस तरह से देनी है। तो बर्ड्स बड़े शौक से खाते हैं और इनके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं उनके वो भी बताऊँगा इंशाल्लाह आपको। बट ये जो सैलेड है इसमें कुछ चीज़ें होती हैं नमी वाली, तो जब वो नमी वाली बर्ड वो चीज़ें खाते हैं मॉइस्चर वाली, और फिर आप गंदम अक्सर भी गो के हम डालते हैं, वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई, गंदम हम डालते हैं, ये गंदम के स्प्राउट डाल देते हैं या कोई किसी भी चीज़ को भी गो के, दाना भी गो के डालते हैं, तो वो जब हम चीज़ें डालते हैं ना तो वो जब बर्ड खाता है तो वो होती है नमी वाली, नमकीन सॉरी मॉइस्चर वाली, तो उसकी जो नमी होती है वो बर्ड्स के बीक वगैरह पर लगती है और वो जम जाती है, तो वो आहिस्ता 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 वो फंगस टाइप जो होता है उसकी शक्ल इख्तियार करती है और वो बर्ड को मसला बनता है। फिर उसकी स्केली स्किन को रिमूव कैसे किया जाता है, जो स्किन उसकी स्केली हो जाती है उसको कैसे ख़त्म किया जाता है, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, बट इंशाल्लाह क्योंकि मैं चैनल एक बार इसको दोबारा रन कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि वो जो पुरानी वीडियोस भी मैंने बनाई हुई उनके टॉपिक को एक नए तरीके से और एक बार नए तरीके से और उसको न्यू वीडियो बनाकर मैं उसको अपलोड कर दूँ, ताकि जो नोटिफिकेशंस अब लोगों को मिलेंगी तो वो उनको देखते रहें, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का एक वैसे छोटा सा टॉपिक बनाना था वो बन गया, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट्स देना कितना वो मैंने बता दिया, कितनी बार देना है वो आप ऐसा कीजिए कि हफ्ते में आप दो या तीन बार, एक दिन बाद इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, एक दिन बाद सादा पानी डालें। और डालना कैसे है वो उसका तरीका ये है कि आपने अगर रात को, अभी गर्मी है बेसिकली, आप पे डिपेंड करता है कि आप पानी किस टाइम देते हैं सुबह, लाइक अभी क्वारंटाइन है तो लोग अक्सर सो कर लेट उठते हैं, मैं भी लेट ही उठता हूँ, तो उस हिसाब से आप पानी रात को निकालेंगे। तो आप अगर रात को निकाल रहे हैं और सुबह को 12 एक बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, तो फिर बर्ड के लिए बहुत नुकसान है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पानी अगर आप सुबह उठे हैं लेट तो आपने पानी उठाना है, निकालना है उसको, सारा पानी रिमूव करना है। मेरे असल में ड्रिंकर लगे हुए हैं सारे, जो क्या कहते हैं इसी तरह से नीचे भी, ये सारे ड्रिंकर लगे हुए हैं बेसिकली मेरे आउटसाइड पे केजेस के, तो अगर आपके पास ड्रिंकर है या पानी की पॉट्स हैं या जिस तरह से भी आप वो अपना सर्कल चला रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने वो पॉट्स निकाल देने हैं पानी के बाहर, और तकरीबन एक या दो घंटे बाद गर्मी है, बर्ड को प्यास लग जाती है, तो आपने क्या करना है, आपने वो गर्मी जो सॉरी पॉट्स हैं, पॉट्स निकाल के रख देने, उनको धो देना, वो कुछ भी हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, वो पानी बना लेना और पानी बना कर उसको बर्ड्स को डाल देना, और बर्ड्स को डालने के बाद आप तकरीबन शाम में वो पानी निकाल के दोबारा दूसरा पानी डाल दें, क्योंकि ये जो मल्टीविटामिन होते हैं, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और कोई भी ऐसी चीज़ हम पानी में बर्ड्स को मिला के, दवाई कोई भी हम देते हैं, तो वो आहिस्ता 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 बैक्टीरिया उसमें पैदा होता है किसी ना किसी तरह से, तो क्योंकि गर्मी भी होती है और बाकी दूसरी चीज़ें भी हैं, तो उसकी वजह से ये जो बर्ड्स की इलेक्ट्रोलाइट्स सॉरी बर्ड के हम तो कोई भी मेडिसिन यूज़ करवाते हैं तो उसमें ये बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाता है, तो हमने उसको भी ज़रा ख्याल रखना उसका भी, और पानी निकाल के चेंज करना है। और कोई चीज़ मुझे लग रहा है कि मिसिंग है वो क्या हो सकती है, चलें कभी याद आई तो फिर आपको बताऊंगा। तो खैर फ़िलहाल तो यही है कि आप अपने बर्ड्स का फुली केयर करें, अगर आप लेट उठ रहे हैं तो बर्ड्स का दाना पानी जो है उसको आप उनकी जो रूटीन है वो इस हिसाब से बनाएं ताकि बर्ड को कोई मसला ना हो, क्योंकि उनको खाने की कमी ना हो, उनको दाने की कमी ना हो, उनको पानी की कमी ना हो, तो जो आप उसमें उनको सैलेड डाल रहे हैं, कोई भी उनको एक्स्ट्रा सॉफ्ट फूड डाल रहे हैं,
एग वगैरह डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं, उनको उस चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। वो आपने प्रॉपर कोई ना कोई टाइम बनाकर बर्ड्स का उनको शेड्यूल आपने एक उसके हिसाब से अपने देते रहना है। तो दाना वगैरह जो है वो भी आपको मैं बताऊँगा कि दाना क्या मैं डालता हूँ। मैं 3-4-5 चीज़ें बस डालता हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं मैं डालता, ठीक है। तो सस्ता कह सकते हैं, वो सस्ता भी पड़ जाता होगा या हो सकता है महंगा पड़ता हो, पर वो दाना साफ़ बन जाता है, अच्छा दाना बन जाता है। तो बर्ड मेरे शौक से खाते हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें अक्सर बना बनाया दाना होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, बाजरा हो गया या कुछ इस तरह की मिक्स चीज़ें होती हैं, मेरे बर्ड नहीं खाते तो वो छोड़ देते हैं, तो उसमें पैसे ज़ाया होते हैं। तो सीड मिक्स जो है वो भी आपको बनाना सिखा देंगे। और फ़िलहाल मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी, तो इजाज़त चाहूँगा आपसे, अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। और कोई भी टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं कि होनी चाहिए, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ में कोई मसला है, बर्ड की म्यूटेशन नहीं समझ आती कोई, या म्यूटेशन का आप पूछना चाहते हैं कि यार कौन सी म्यूटेशन है, एग्जीबिशन क्या होता है, नॉर्मल बर्ड क्या होता है, तो सारी चीज़ों को मैं इंशाल्लाह इस तरह मैं वीडियो बनाता रहूँगा दोबारा। तो अभी मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने बर्ड का ख्याल रखें, और ये जो कोरोना की वबा है और रमज़ान भी है, तो कोरोना से भी बचे रहें, अपना एहतियाती तदाबीर जो हैं वो प्रॉपर करें। आज मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ, और आपको मैंने एक बार सजेस्ट किया था कि आप कभी भी बर्ड्स के रूम में आते हैं, बेशक अभी कोरोना है या नहीं, मैंने कोरोना से पहले एक बार वीडियो बनाई थी काफ़ी देर पहले, तो आप बर्ड्स के अंदर जब आएँ मास्क अगर यूज़ कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज़ ग्लव्स जो हैं, ग्लव्स और मास्क और नेट कैप, ये चीज़ें आप ज़रूर यूज़ किया करें, उसका भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आपके जो आप में भी बैक्टीरिया हैं, बर्ड्स में भी कुछ होते हैं, तो एक दूसरे को बीमारी नहीं लगती, ठीक है ना, बर्ड्स को आपसे लगेगी ना आपसे आपको बर्ड से लगेगी, तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखें। और फिर वीडियो मैं कह रहा हूँ लंबी हो रही है, तो मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और मेरी वीडियो पूरी देखा करें। मैं सब्सक्राइब करने का नहीं कहता लोगों को, मैं शेयर करने का नहीं कहता, मेरी आदत नहीं है, जिसने देखनी है, जिसको फ़ायदा चाहिए वो भाईजान आए देखे, और इंशाल्लाह मैं वीडियोस आप बनाता रहूँगा, पहले मैं इसी वजह से रोकती थी, तो अब रेगुलर इंशाल्लाह आपके पास आता रहूँगा। कोई भी मसला मसाइल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और नंबर मैंने कुछ वीडियोज़ में मैंशन किया हुआ, नहीं तो मुझे ई मेल करें नंबर पर। चलो मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ अपना, 03048687039। आई रिपीट, 03048687039। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ऑन नहीं होगा ये व्हाट्सएप होगा, तो आप मेरे हमेशा व्हाट्सएप के नंबर पर मुझे कोई जो मसला मसाइल हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं, वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उससे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, और आपको हो सकता है मैसेज का या कॉल का रिप्लाई करके मैं आपको उसी में आपको उसका मसले का हल बता दूँ। तो और अगर मुझे नहीं पता होगा, मेरी आदत होती है कि मुझे अगर चीज़ का नहीं पता तो मैं उसको गाइड नहीं करता, बट मैं उस पर सर्च करके मैं लोगों को फिर दोबारा ज़रूर बताता हूँ। तो अपना और अपने बर्ड का ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।